ग्वालियर में चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया, जिसकी शिकायत स्थानीय पनिहार थाने में दर्ज की गई। वहीं फर्जी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फर्जी अभ्यर्थी के नाम नीरज गुर्जर है। आरोपी नीरज गुर्जर अपने साथी रामलखन गुर्जर की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। दरअसल परीक्षा केंद्र पर एंट्री के दौरान परीक्षा करवा रहे पर्यवेक्षकों को शक हुआ तो उन्होंने उसके अंगूठे की जांच की, जिसमें उसके अंगूठे के निशान मिसमैच मिलने पर सीआरपीएफ केंद्र ने पनिहार थाने को तुरंत मामले की जानकारी दी। वहीं सीआरपीएफ के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी अभ्यर्थी बनकर अपने साथ की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। आरोपी नीरज गुर्जर मुरैना के अंबा का रहने वाला है और दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन लालच में फंसकर वह रामलखन की जगह परीक्षा देने पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। इसका नाम नीरज सिंह गुर्जर, निवासी अंबा मुरैना का था। वो एक रामलखन सिंह गुर्जर के स्थान पर मेडिकल देने के लिए सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र पर आया था। वर्तमान में सीआरपी ग्रुप केंद्र में भर्ती जो जीडी आरक्षक है उसकी भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मेडिकल यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं जो दिनांक 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हो रहा है। उसी क्रम में कल ये जो फर्जी परीक्षार्थी है रामलखन की जगह नीरज सिंह गुर्जर मेडिकल की परीक्षा देने आया था, वहाँ के अधिकारियों ने फोटो मिसमैच के आधार पर इसको पकड़ लिया और पुलिस को सबूत कर दिया। बाद में पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म स्वीकार किया है, एफआईआर कर ली गई है और जो आरोपी है उसको जेल भेज दिया।